गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता कमलनाथ को चेतुआ की संज्ञा दी और कहा ये सिर्फ फसल काटने के समय आते हैं, बाकी इनका जनता के सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चेतुआ की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा कमलनाथ फसल कटाई के समय खेतों में आने वाले चेतुआ के समान है जो फसल काटने के टाइम आते हैं। मिश्रा ने कहा कांग्रेस में परिवारवाद चल रहा है, कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं रहा, वहां लोकतंत्र नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी की वीडियो वायरल करने और ट्वीट करने की ही उम्र बची है। दिग्विजय सिंह को सब जानते हैं कि उन्हें प्रचार के लिए बुलाया तो वोट कटेंगे। कांग्रेस अपने बोझ से पहले भी गिरी थी, अब फिर गिरेगी। कांग्रेस की खाट पर चर्चा पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा इससे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में खाट पर चर्चा की थी, उनकी न खाट रहेगी न उनके ठाट रहेंगे। खाट पर बोलते हैं और सदन में सोते हैं। अब कांग्रेस में लोकतंत्र जो परिवारवाद चलता है, गलत जगह पर गलत चीज ढूंढ रहे। वो एक कहावत है ना कि मरुस्थल में गया मैं देवदार ढूंढने को, मेरा मित्र धतूरे में इत्र ढूंढने चला, मेरा मित्र पानी पर चित्र ढूंढ रहा है, कांग्रेस में लोकतंत्र ढूंढ रहा है। पुनर्विचार करें, वो मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, वहाँ लोकतंत्र नहीं मिलेगा। देखो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, ये वीडियो वायरल कराने ट्वीट करने अब यही उम्र है दोनों की, इसलिए उन पर कहाँ तक अपन चर्चा करेंगे, इनके ट्वीट पे और उनके वीडियो वायरल पे। कांग्रेस की सरकार के समय में ये घटना घटी थी जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और हमारे नेता माननीय शिवराज सिंह चौहान उस समय भी उस पर गए थे। बलात्कार कांग्रेस या भाजपा से मैं इसलिए नहीं जोड़ना चाहता कि ये विकृत मानसिकता की वो होती है, पर ऐसे लोगों को सजा मिले, उस समय भी उन्होंने कहा था माननीय शिवराज सिंह जी ने, और अभी भी उसकी माँ आई तो उन्होंने सीबीआई की घोषणा की, दे दी जांच। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।